टीबी नगर क्षेत्र में टेम्पो चालक की आत्महत्या के मामले में आरोपी दरोगा को टेम्पो चालक के परिवार वालों ने सर्किट हाउस पर सरेआम घूमते हुए पकड़ा। दरोगा को पकड़ने के बाद परिवार वालों और दरोगा के बीच जमकर हुआ हंगामा। सूचना पर मौके पर पहुंचे सीओ सिविल लाइंस ने पुलिस लाइन में मौजूद पुलिस कर्मियों को लगाई जमकर फटकार। टेम्पो चालक के परिवार वालों को हिरासत में लेकर भेजा थाना सिविल लाइंस। अब देखना ये होगा कि आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे गंभीर आरोप लगे दरोगा जी आराम से घूमते हुए नजर आ रहे हैं, तो परिवार वालों के ऊपर पुलिस अब क्या कार्रवाई करती है। और यहाँ से भाग रहे हैं फोन कर 100 नंबर पे फोन 112। अरे आईजीओ भी चलो मैं भाग के आईजीओ भी जाओ फटाफट भाग के जाओ। ये टीवी नगर थाने का दरोगा जो कि हमारे भाई और यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस महकमे का कहना है कि फरार चल रहे और इन्हें मैंने खुद आके आज मेरे भाई ने आईजीओ भी आया था, इन्हें हमने यहीं पकड़ लिया जी। पकड़ लो 112 का फोन कर फटाफट। यही है ना खाते हो लोगों के बच्चों से, बच्चे खाओगे हमारे। मेरे भाई की 12 फरवरी की शादी थी, बच्चे वाले हो ना। मेरा भाई नहीं बचा, मेरे भाई की 12 फरवरी की शादी, इन दो भाइयों को पढ़ा लिखा रहना। हमारे बाप था, दूसरा हमारा बाप चला गया सर, हम क्या चाहते हैं सबसे। आज एक महीने बाद हमने देखा है तो इन्होंने एक महीना 15 दिन हो गए जब से कार्रवाई नहीं हुई, तब से कार्रवाई नहीं हुई, अब क्या हुई? अब हम खुद आत्महत्या करेंगे। अब और कौन है बात तो भैया अंदर तुमको फांसी के लिए ले जा रहे हैं, मार लेंगे सर जब हमारे पास साथी मिल गया। तुमको मार रहे हो, मार रहे हो।